Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of durood e salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dear students, mathematics PTB class 8 and review exercise chapter 1. और बच्चों इसमें जो question number 1 है, 4 options are given against each statement in circle the correct one. बच्चों हर statement के 4 options given हैं और हमने जो correct statement है उसको सर्कल करना है. तो पहली स्टेटमेंट है, इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, अगर ए जो है वो सेट ए का मेंबर नहीं है, देन सिंबॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय, तो इसको कैसे लिखा जाएगा. ये जो ए ऑप्शन है इसका मतलब है कि ए सेट ए का एलिमेंट है, इसका मतलब है ए माइनस ए. ये जो ऑप्शन सी है बच्चों, इसका मतलब है K is not the member of set A, तो हम C option को circle करेंगे, ये correct है. और ये जो D option है वो है A intersection A, तो ये set होते हैं लेकिन ये तो member है, set है ही नहीं, तो इसलिए ये correct option नहीं है. Number 2 जो statement है, which of the following is not a set, अभी 4 option फिर given है, उसमें हमने देखना है कि set कौन नहीं है. तो बच्चों ये जो ए ऑप्शन है 1, 2, 3, ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं. ए बी सी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं. 2, 3, 4 भी बच्चों वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं. वेयर एज इन डी पार्ट 1, 2, 2 एंड 3, बच्चों ये जो 2 है ये डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है, तो ये सेट नहीं है, तो इसको हम सर्कल करेंगे कि ये सेट नहीं है क्योंकि उसने ऑप्शन पूछी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट. आगे नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट 0, ये सिंगल्टन सेट है बच्चों, इसके जो सबसेट होंगे एक एम्प्टी सेट होगा और एक ही होगा, तो इसके जो सबसेट हैं वो 2 बनेंगे. ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि इसके सबसेट 2 कैसे बनेंगे. स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेट है, कोई भी एक सेट है स्टूडेंट्स जिसमें एक एंट्री है 0, तो इसके जब हमने सबसेट बनाने हैं स्टूडेंट्स तो सबसेट्स इसके बनेंगे, एक एम्प्टी सेट बनेगा और एक ही सेट आ जाएगा, तो ये दोनों सबसेट हैं इस सेट के, इसलिए स्टूडेंट्स ये जो सेट है सिंगल्टन सेट उसके 2 सबसेट्स बनते हैं. आगे नंबर 4 पर देखें, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट एक्स इज कॉल्ड, ऐसा सेट जिसमें सारे सबसेट एक सेट के आ जाएं, उस सेट को हम स्टूडेंट्स पावर सेट कहते हैं. तो ये जो 3rd ऑप्शन है सी ऑप्शन है ये करेक्ट है क्योंकि ये पावर, उसको हम पावर सेट कहते हैं. नंबर 5 में लिखा है, फॉर 3 सेट्स ए बी एंड सी, ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, ये स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है, तो ये इक्वल होगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इसकी इक्वल नहीं होगी, इसके भी नहीं होगी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो सी ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये करेक्ट है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये और ये दोनों इक्वल होते हैं. अब स्टूडेंट्स नंबर 6 देखें, फॉर एनी 2 सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स जब हम बी कॉम्प्लीमेंट लेकर उसको ए में से माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स वो ए इंटरसेक्शन बी की इक्वल आएगा. ये करके देख लेते हैं स्टूडेंट्स, आपने सपोज करना है कि ये हमारे पास कोई से 2, 3 सेट हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, इसकी एंट्रीज हैं 1, 2, 3, 4 और 5, एक सेट हमारे पास ए है स्टूडेंट्स, इसकी एंट्रीज हम सपोज कर लेते हैं कि वो है 2, 3 और 5, और एक हमारे पास सेट बी है उसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 3 और 5. अब स्टूडेंट्स जो चीज़ उसने हमसे पूछी है, उसने पूछी है बी ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमने पहले बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, इधर हम बी कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो बी कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट है स्टूडेंट्स हमारे पास 1, 2, 3, 4 और 5, इसमें से हम माइनस करेंगे सेट बी को और उसकी एंट्रीज हैं 1, 3 और 5, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस होगा 2 और 4.
ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट, और ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट जो है ये किसके इक्वल होगा, ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2, 3 और 5 माइनस ये आएगा स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 2 और 4, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2 माइनस होगा 3 और 5 जो है ये इसका आंसर आएगा ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बच्चों हम ए और बी का इंटरसेक्शन लें तो उसमें भी जो हमारी कॉमन एंट्रीज होंगी वो 3 और 5 होंगी, तो ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको सॉल्व करके भी बताया है, तो ये ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी, तो ये स्टूडेंट्स इसकी करेक्ट ऑप्शन है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन देखें, नेक्स्ट पार्ट देखें, नंबर 7। नंबर 7 में लिखा है इफ़ यू इज़ नेचुरल नंबर, ए इज़ इवन नंबर्स और बी जो है वो ऑड नंबर्स हैं, तो हमने फाइंड करना है कि ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होगा। तो बच्चों देखें ए माइनस बी, जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो एक भी एंट्री बाकी नहीं बचेगी, सॉरी एक भी एंट्री माइनस नहीं होगी, यानी कि ए हमारा ये सेट है, इसमें से जब हम सेट बी को माइनस करेंगे तो बच्चों सेट ए की एक भी एंट्री माइनस नहीं होगी क्योंकि ये ऑड नंबर हैं और ये इवन नंबर है, और जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि ए माइनस बी जो ए की इक्वल आएगा, इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास बी आएगा, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट है। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों, जब हम ए माइनस बी करेंगे यानी कि इस सेट में से इसको माइनस करेंगे तो सेट बी और सेट ए डिसजॉइंट सेट हैं, तो एक भी एंट्री जो है वो माइनस नहीं होगी, तो सेट बी ही आंसर, सेट ए ही आंसर होगा। ए में से जब हम बी को माइनस करेंगे तो ए का जब हम यानी कि इस सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे तो बी आंसर आएगा, तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, इफ़ पी इंटू ए यानी कि पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट ए बी और ए बी देन सेट ए, यानी कि वो सेट ए कौन सा है जिसका हम पावर सेट लें तो ये 4 एंट्रीज आएँ, तो स्टूडेंट्स ये जो डी ऑप्शन है ये सेट ए है, अगर इसका हम पावर सेट बनाएंगे तो ये 4 एंट्रीज आएंगी। अब स्टूडेंट्स आगे 9th ऑप्शन देखें, इफ़ एम्प्टी सेट इफ़ ए इज़ एन एम्प्टी सेट यानी कि एम्प्टी सेट गिवन है देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट एंड अगेन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट, बच्चों जब हम एक ही सेट का 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट उसका आंसर आता है। कैसे, ये बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है, तो जब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी कि मैं इधर ए कॉम्प्लीमेंट आपको लेकर देता हूँ, तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम इसको माइनस करेंगे ए को तो ये इसका आंसर आएगा। ये बच्चों इसका नाम, इसको भी कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं, ये जो मैं डैश लगा रहा हूँ, तो जब ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे यूनिवर्सल सेट में से ए को हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 और 4, 2, 3 और 5 माइनस हो जाएंगे। जब दोबारा मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूँगा यानी कि इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लूँगा ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम इसको माइनस करेंगे तो 1 और 4 माइनस होगा, बाकी आंसर आएगा 2, 3 और 5, और ये सेट ए ही के इक्वल है। तो बच्चों जब हम किसी भी सेट का 2 दफ़ा कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट इसका आंसर होता है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 था इस एक्सरसाइज का। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें डेफिनेशंस हैं तो वो मैं आपको बुक के ऊपर ही मार्क करवा दूंगा कि कौन कौन सी डेफिनेशन है जो आपने करनी है। देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में पहले नंबर पर लिखा है डिफाइन अ सेट, तो सेट की डेफिनेशन आपने लिखनी है। सेट की डेफिनेशन होती है कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इसके पीछे शुरू में पहले पेज पर आपने सेट की डेफिनेशन पढ़ी भी थी, तो मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सेट की डेफिनेशन है बच्चों, अ कलेक्शन, यहाँ से शुरू करके, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट आर सिंबल्स इज कॉल्ड, यानी कि इसको काट कर यहाँ पर आ जाएगा, इज कॉल्ड अ सेट। तो ये सेट की डेफिनेशन थी बच्चों जो मैंने आपको हाईलाइट करवाई है, दोबारा सुन लें, मैं रिपीट करता हूँ, आप इसको सुन भी लें। अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट।
नंबर टू पर है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। तो बच्चों होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो सिर्फ ज़ीरो है। आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि होल नंबर स्टार्ट फ्राम ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्राम वन एंड देर इज़ ओनली ज़ीरो दैट इज़ डिफरेंट फ्राम होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नंबर थ्री है बच्चों, डिफाइन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट। बच्चों अगर किसी एक सेट की सारी एंट्रीज दूसरे सेट की भी एंट्रीज हों तो पहले सेट को हम दूसरे सेट का सबसेट कहते हैं। अगर दूसरे सेट में ये कोई एक एंट्री एडिशनल हो तो पहला सेट जो है वो प्रॉपर सबसेट होता है, और अगर दोनों सेट में एंट्रीज एक भी एडिशनल ना हो तो वो इक्वल सेट होता है और उसको हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स डिफाइन पावर सेट। तो अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड पावर सेट। किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं उन सब सेट्स को अगर हम एक सेट में लिख लें तो उसको हम कहते हैं कि वो पावर सेट है उस सेट का। नेक्स्ट स्टूडेंट्स डिफाइन डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो है बच्चों, मैं इधर आपको लिखकर बता देता हूँ कि डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, कि अगर हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल होगा, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट लें तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स के लॉ है। नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर टू है। आगे क्वेश्चन नंबर थ्री के थ्री पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उसमें लिखा है उसने राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये हमारे पास सेट्स हैं तो उनके हमने लिखने हैं स्टूडेंट्स सबसेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपने इसको गौर से देखना है कि क्वेश्चन नंबर थ्री हमने स्टूडेंट्स ऑल सबसेट्स लिखने हैं जी, ऑल सबसेट्स। तो ये नंबर वन में ए पार्ट जो है सेट ए वो इक्वल है ई एफ और जी, और इसके हमने सबसेट्स लिखने हैं स्टूडेंट्स। इसमें थ्री एंट्रीज हैं तो इसके टू टू द पावर ऑफ थ्री एट इसके सबसेट्स बनेंगे। तो हम इधर लिखेंगे सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू, पहला सेट होगा स्टूडेंट्स एम्प्टी, फिर सिंगल सिंगल एंट्री लिखनी है ई, फिर आगे हम लिखेंगे एफ, फिर इसके आगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जी, यानी कि पहले सिंगल सिंगल एंट्री, फिर हम दो लिखेंगे ई और एफ सेट में, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ई और जी सेट में लिखेंगे, यानी कि और फिर हम लिखेंगे एफ और जी, और एंड पर हम तीनों एंट्रीज लिख लेंगे ई एफ और जी। तो ये सबसेट हैं स्टूडेंट्स, सेट ए के काउंट करें ये एट होने चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट, तो ये एट सबसेट हैं। इसका जो बी पार्ट है सेट बी, उसकी एंट्रीज दी हैं स्टूडेंट्स उसने वन थ्री और फाइव, तो इसके भी हमने सबसेट्स लिखने हैं। तो मैं लिखूँगा सबसेट्स ऑफ बी इज इक्वल टू, पहला सेट स्टूडेंट्स होगा एम्प्टी सेट, फिर हम सिंगल सिंगल एंट्री लिखेंगे वन, फिर हम लिखेंगे थ्री, फिर हम लिखेंगे फाइव, फिर बच्चों हम टू टू एंट्रीज लिखेंगे वन और थ्री, फिर हम लिखेंगे वन और फाइव, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ये सेट का सिंबल है स्टूडेंट्स, फिर हम लिखेंगे थ्री और फाइव, और एंड पर हम लिख देंगे वन थ्री और फाइव। तो ये बच्चों मैंने सारे सबसेट लिख दिए हैं सेट के, काउंट करें इसको आप फाइंड ऐसे फाइंड कर सकते हैं टू टू द पावर ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज। तो इस सेट में थ्री एंट्रीज हैं तो टू को हम थ्री टाइम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो एट आएगा, और इसके एट सबसेट आप काउंट कर लें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एट। आगे स्टूडेंट्स उसने लिखा है राइट द पावर सेट ऑफ, अभी हमने इस ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके हमने पावर सेट लिखने हैं, पावर सेट ऑफ हमने स्टूडेंट्स लिखना है जी पावर सेट। सेट है हमारे पास राइट पावर सेट, सपोज कि ये हमारे पास सेट ए है
और इसकी एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स ए बी और सी, ए बी और सी, और हमने पावर सेट ऑफ ए फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इस सेट के जितने भी सबसेट बनते हैं, इसके 3 एंट्रीज हैं तो इसके 8 सबसेट हैं, उन 8 सबसेट ही को एक सेट में अगर लिख लिया जाए तो वो पावर सेट होता है। तो ये आएगा पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सेट में लिखने हैं बच्चों, पहला सेट बनेगा एम्प्टी, दूसरा बनेगा ए सिंगल एंट्री, फिर आगे आएगा स्टूडेंट्स बी, ये भी सेट में लिखना है, फिर आगे आएगा सी, ये भी सेट में लिखना है, फिर स्टूडेंट्स आगे आपने लिखना है डबल एंट्रीज ए और बी, ये भी सेट में लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए और सी सेट में, फिर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स बी और सी, ये भी सेट में लिखेंगे, और एंड पर हम तीनों एंट्रीज लिख लेंगे ए बी और सी, ये भी सेट में लिखना है, और एंड पर ये सेट की एक दफ़ा फिर सिंबल हम डालेंगे ये पावर सेट शो करने के लिए। अब इन एंट्रीज को काउंट कर लेंगे, 8 होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो ये था स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे स्टूडेंट्स जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें उसने हमें कहा है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ, इफ़ यूनिवर्सल सेट दिया है उसने ए बी सी डी और ई, सेट ए है डी ई और सेट बी है ए बी सी, और हमने डी मॉर्गन्स के लॉ को वेरीफाई करना है। तो बच्चों ये मैं सॉल्व करता हूँ कॉपी पर, आप देखें कि ये क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है, उसमें यूनिवर्सल सेट दिया है उसने हमें ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, और सेट ए की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास डी और ई, और सेट बी की एंट्रीज हैं ए बी और सी, ए बी और सी, और स्टूडेंट्स हमने डी मॉर्गन्स के लॉ को वेरीफाई करना है। तो जो डी मॉर्गन्स के लॉ हैं पहले मैं वो लिखता हूँ कि वो हैं क्या क्या। पहला लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा लॉ है इसका ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ये इक्वल है स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जब यूनियन है होल यूनियन का कॉम्प्लीमेंट है तो उस वक्त सेपरेट इंटरसेक्शन है, और जब इंटरसेक्शन है तो उस वक्त यूनियन है, इस बात को आपने माइंड में रखना है। तो अभी बच्चों हम इधर पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी और ई, इसमें से हमने माइनस करना है ए को, और ए की एंट्रीज हैं डी और ई, तो बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा डी और ई, यानी कि लास्ट 2 माइनस होंगे, बाकी आएगा ए बी और सी, ये हमने फाइंड किया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट की एंट्री इसको हम फाइंड करेंगे यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं हमारे पास ए बी सी डी और ई, और इसमें से बच्चों हमने माइनस करना है सेट बी को, और सेट बी की एंट्रीज हैं ए बी और सी, और जब हम इनको माइनस कर लेंगे तो ए बी सी माइनस होगा और बाकी आएगा डी और ई, ये है हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट। अब स्टूडेंट्स हम जब फर्स्ट लॉ फाइंड करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, अब हम पहले फाइंड करेंगे ए यूनियन बी और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो इसके नीचे ही आपने लिखना है ए यूनियन बी, ए ए यूनियन बी, तो स्टूडेंट सेट ए की एंट्रीज हैं हमारे पास डी और ई, और यूनियन हमने लेना है इसमें किसके साथ, बी के साथ, और बी की एंट्रीज हैं ए बी और सी, और बच्चों जब हमने इसका यूनियन लेना है तो यूनियन में आपको पता है कि कॉमन और नॉन कॉमन सारी एंट्रीज होती हैं, तो ये आ जाएगा ए बी सी डी और ई, और इसका जब हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट
माइनस ए यूनियन बी, तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी और ई माइनस ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की भी यही सारी एंट्रीज हैं ए बी सी डी और ई। तो बच्चों जब हम इसको माइनस करेंगे तो सारी एंट्रीज माइनस हो जाएंगी, तो ये एम्प्टी सेट आएगा। और अब जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो स्टूडेंट्स हमने पीछे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किए थे, तो ए कॉम्प्लीमेंट देख लें आप, हमारे पास ये है ए बी सी और बी कॉम्प्लीमेंट है डी ई। तो ए कॉम्प्लीमेंट की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स ए बी और सी इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास डी और ई। तो बच्चों इन दोनों में कोई भी एंट्री कॉमन नहीं है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूफ होगी, तो नीचे आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने फर्स्ट लॉ प्रूफ किया है। सेकंड लॉ में बच्चों हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए की हमारे पास एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स डी और ई, यानी कि सेट ए की जगह हम लिखेंगे डी और ई इंटरसेक्शन, ए की जगह हम लिखेंगे ए बी और सी। तो बच्चों जब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ये आएगा एम्प्टी सेट। अब जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी सी डी और ई और माइनस एम्प्टी सेट। तो जब एम्प्टी सेट माइनस किया जाएगा तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी और ई। ये हमने फाइंड किया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इधर मैं लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो स्टूडेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज थी हमारे पास ए बी और सी, हमने ऑलरेडी फाइंड किया था। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की एंट्रीज हैं डी और ई, जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी डी और ई। स्टूडेंट्स जब हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो उस वक्त आंसर आया ए बी सी डी ई, और जब हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया तो उस वक्त भी आंसर आया ए बी सी डी और ई। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो एंड पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज वन, यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज वन क्लास एट पीटीवी मैथमेटिक्स। तो बच्चों इसके तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं, और आखिर में मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।